कोरोना के इस संकट काल में पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मैहर में पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहा है। युवा वर्ग को पुलिस ने नियम न तोड़ने की हिदायत दी। मैहर के तिलौरा में कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी आरपी मिश्रा ने सभी लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। थाना प्रभारी ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी में युवा वर्ग को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। समानतः देखा गया है कि युवा वर्ग ही इस लॉकडाउन का ज्यादा उल्लंघन करते दिखाई देते हैं। ज्यादातर युवा घरों से बाहर घूमते नजर आ रहे हैं, पुलिस को देखकर घर में घुस जाते हैं। युवाओं को समझना पड़ेगा कि ऐसा करने से वे अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाल रहे हैं। बाहर घूमने से कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो कोरोना महामारी आई है, इसके लिए बस इसी कड़ी में हम आपको दो शब्द बताएंगे कि इसका मैंने देखा इसी गांव में। मैं कई बार शुरू में आया और काफी मेहनत किया और सबको मैं करता रहा। कुछ जो नई पीढ़ी है उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वो अगर गाड़ी हमारी देखते थे, मैं वहाँ से आता था, तो ये सीधे देख करके जैसे उनको कोई लाभ हिस्से नहीं है, हानि है, और हमको छिपते थे। उसके बाद जैसे हमारी गाड़ी निकल जाती थी, वैसे भीड़ रोड में कहीं यहाँ किनारे में इकट्ठा होके सबसे बचाव यही है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना के रखिए, एक दूसरे से हाथ न मिलाइए, एक दूसरे से के पास में न जाइए। बस इतना अगर कर लिए तो कोरोना से हम जीत सकते हैं। इसके अलावा न इसमें कोई ट्रीटमेंट है, न कोई दवाई है, और न इतनी अपने यहाँ व्यवस्था दी है। लेकिन ये सिर्फ अपने से अपना काम करिए, ठीक है, खेत वोट का काम है, जाइए, लेकिन वहाँ भी संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।